नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ इजी में। मैं एडवोकेट एंड लॉ लेक्चरर पंकज वाधवानी आप सभी का स्वागत करता हूं और कानून को आसान भाषा में समझने के मेरे इस प्रयास में आप सभी का स्वागत है। चूंकि हम लोग सिविल जज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का क्विक रिविजन कर रहे हैं, तो आज इस क्विक रिविजन की श्रृंखला में मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक क्विक रिविजन आप सभी को कराऊंगा। इसके पहले हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का क्विक रिवीजन कर लिया, इसके पहले हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्विक रिवीजन, मैंने 10-10 मिनट के 5-5 मिनट के छोटे छोटे वीडियो में पूरे एक्ट की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में बताया। जस्ट इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। तो इस प्रकार छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट के छोटे छोटे वीडियो लेक्चर में मेरा प्रयास है कि आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत हेल्प मिल सके। यही मेरा एक छोटा सा प्रयास है। और आज का जो वीडियो लेक्चर है इट इज डेडिकेटेड टू दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सभी को बहुत ही इसकी लैंग्वेज टफ लगती है। मैं कोशिश करूंगा आपको सामान्य भाषा में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जल्दी से रिवाइज कर सकूं। तो सबसे पहले पेपर का नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इसे हिंदी में संपत्ति अंतरण अधिनियम कहा जाता है। और कुल मिला के इसका संख्यांक नंबर, यदि क्वेश्चन आ जाए कि इसका संख्यांक नंबर यानी नोटिफिकेशन नंबर क्या है, तो आपको लिखना है 4। इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, तो 137 धाराएं हैं। 8 अध्यायों में यह बटा हुआ है, इट इज डिवाइडेड इंटू 8 चैप्टर्स। और 1 जुलाई 1882 से यह क्या हुआ है, पूरे भारत वर्ष में लागू हुआ। 370 तो अभी हटी है, 370 हटने के पहले से ही भारत में लागू था, यानी जम्मू कश्मीर इंक्लूड था इसमें उस समय। और अब इसमें जो 8 चैप्टर है, पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी की बात करने वाला है। प्रिलिमिनरी का मतलब है प्रारंभिक, धारा 1 से लेकर 4 तक प्रारंभिक बताया गया है। धारा 1 में इसका नाम विस्तार प्रवर्तन, इसका नाम होगा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में। धारा 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, सॉरी 2 निरसित है और 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। और इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है धारा 3 में निर्वचन खंड बताया गया, जिसमें अचल संपत्ति की परिभाषा दी गई है, अटेस्टेशन की परिभाषा दी गई है, विलेख इंस्ट्रूमेंट की परिभाषा दी गई है, इस प्रकार विभिन्न परिभाषाएं दे रखी है। और जो धारा 4 है, वो धारा 4 बहुत इंपॉर्टेंट, धारा 4 बताता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो टीपी का पार्ट होगा, इसका भाग माना जाएगा और सप्लीमेंट्री यानी अनुपूरक माना जाएगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट को इसका अनुपूरक माना जाएगा। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है इसका जो ब्रदर है, जो इसका भाई है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और सप्लीमेंट्री मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट जो इसका मित्र है, दोस्त है। तो आप ध्यान रखें, दोनों प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है सेक्शन 4 के लिए। इसके बाद जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज बताया। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें मित्रों कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लॉ द्वारा ट्रांसफर्स पर लागू नहीं होता है, यानी लॉ यदि अटैचमेंट करता है, लॉ कुर्की करता है, तो वहां टीपी एक्ट लागू नहीं होता है। टीपी एक्ट लागू होता है पार्टीज के आचरण पे, यानी दो पक्षकार आपस में खरीद बेच रहे हैं, दो पक्षकार मॉर्गेज कर रहे हैं, दो पक्षकार एक दूसरे को पट्टा दे रहे हैं, एक दूसरे का एक्सचेंज कर रहे हैं, वहां पर लागू होगा। तो ये धारा 5 से 55 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें विभिन्न प्रकार के इसमें डॉक्ट्राइन आने वाले हैं। सबसे पहले धारा 5 में संपत्ति अंतरण की परिभाषा बताई गई है, धारा 6 में अंतरणीयता के अपवाद बताए गए, एक्सेप्शंस ऑफ द ट्रांसफरेबिलिटी, यानी किन किन प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होगा। धारा 7 में सक्षमता बताई गई है, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। धारा 8 में बताया गया है कि इफेक्ट क्या होगा, ट्रांसफर के क्या इफेक्ट होते हैं। तो ट्रांसफर के वे सारे इफेक्ट होते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने जो अधिकार होते हैं उस प्रॉपर्टी को, सारे के सारे ट्रांसफरी के पास आ जाते हैं, जो ट्रांसफरर के जो अधिकार थे वो सब ट्रांसफरी के पास आते हैं। धारा 9 में ओरल ट्रांसफर की बात की गई है, क्या ओरल ट्रांसफर हो सकेगा। तो इसने बोला है कि जहां पर रिटर्न और रजिस्टर्ड जरूरी नहीं है, वहां पे ओरल ट्रांसफर किया जा सकता है। धारा 10 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन दे रखा है, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इनएलिनियबिलिटी, यानी ये कहता है कि कोई व्यक्ति बेचवाल जो होता है या ट्रांसफरर जो होता है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय कोई ऐसी शर्त नहीं लगाएगा जो उस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर पे रोक लगाती है। तो फर्दर ट्रांसफर पे रोक लगाने वाली शर्तें शून्य होती है। धारा 13 में अजन्मे शिशु को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, इसका एक विभिन्न विशेष प्रोसीजर बताया गया है, पूर्व हित और पूर्ण हित वाला, प्रायर इंटरेस्ट और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट वाला। धारा 14 में रूल्स अगेंस्ट परपेचुटी यानी शाश्वतता के विरुद्ध नियम बताए गए, कोई व्यक्ति संपत्ति को बांध नहीं सकता हमेशा के लिए। धारा 19 में वेस्टेड इंटरेस्ट निहित हित और 21 में समाश्रित हित बताए गए, जिसमें घटना निश्चित है वह निहित हित है, जिसमें घटना अनिश्चित है वह समाश्रित हित है। और इसी प्रकार 25 में सशर्त अंतरण भी बताया गया, सशर्त अंतरण ने अंतरण करता शर्त के साथ अंतरण करता है। 35 में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन निर्वाचन का सिद्धांत, 41 में दृश्यमान स्वामी या बेनामी संव्यवहार के बारे में बताया गया,
52 में कपटपूर्ण अंतरण के बारे में बात बताई गई, सॉरी लंबित वाद का सिद्धांत बताया गया 52 में, और 52 में लंबित वाद का सिद्धांत, और 53A में पार्ट परफॉर्मेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, जिसे हम भागिक पालन का सिद्धांत अथवा आंशिक पालन का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 सेल विक्रय की बात करता है, यह सिर्फ अचल संपत्ति पर लागू होता है, चल संपत्ति के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बनाया गया है, तो ये अचल संपत्ति पर लागू होने वाला एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, 54 से लेकर 57 चार धाराएं जिसमें से दो धाराएं एग्जाम में आती है। 54 में एक तो विक्रय की परिभाषा बताई गई है, और 53 में राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बायर्स एंड सेलर, तो विक्रय के जो पक्षकार होते हैं वो बायर और सेलर होते हैं, क्रेता विक्रेता, क्रेता विक्रेता के अधिकार और दायित्व जो है वो 55 में बताए गए हैं। 56 में सब्सिक्वेंट मार्शलिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट परचेसर की बात की गई है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं, मॉर्गेज जो है इस पूरे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का सेकंड बड़ा चैप्टर है, 58 से लेकर 104 तक की धाराएं हैं, इसे हिंदी में बंधक बोलते हैं, हम सभी ने सुना है। यदि किसी व्यक्ति को लोन की आवश्यकता होती है, पैसों की जरूरत है, तो वो अपने मकान के दस्तावेज बैंक में रखकर उससे क्या लेता है, लोन ले लेता है। तो यहां पर दो पार्टी होगी, एक होता है मॉर्गेजर, मॉर्गेजर वो व्यक्ति है जो मकान दे रहा है, मतलब अपने मकान के कागज दे रहा है, वो मॉर्गेजर है, और बैंक हो जाता है मॉर्गेजी, तो इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो मॉर्गेज कहलाता है, तो मॉर्गेजर, मॉर्गेजी एंड मॉर्गेज। तो धारा 58 में इन सबकी परिभाषाएं दे रखी है, मॉर्गेजर मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज की मॉर्गेजर का मॉर्गेजर क्या होता है, मॉर्गेजी क्या होता है, मॉर्गेज मनी और मॉर्गेज डीड, ऐसे 5 डेफिनेशन दे रखी है। इसके अलावा 58 के अंदर 6 प्रकार के मॉर्गेज भी बताए गए, सादा बंधक बताया गया, अंग्रेजी बंधक बताया गया, सामयिक बंधक बताया गया, वो सब इसमें, विलक्षण बंधक बताया गया, महाजन बंधक बताया गया, वो सब 58 में बताया गया। 60 में मॉर्गेजर का एक इंपॉर्टेंट राइट बताया गया, मोचन का अधिकार, जिसे हम राइट टू रिडम्पशन बोलते हैं, यानी यदि मॉर्गेजर अपना सारा पैसा वापस डिपॉजिट कर देता है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल इंटरेस्ट दे देता है, तो उसका एक अधिकार होता है वो अपने पूरे मकान के कागज फिर से प्राप्त कर सके, इसको बोलते हैं मोचन का अधिकार। तो प्रश्न आता है मोचन का अधिकार किसका अधिकार है, तो मोचन का अधिकार मॉर्गेजर का अधिकार है। क्रमबंधन का सिद्धांत 81 में बताया गया, क्रमबंधन यानी यदि एक से अधिक संपत्ति को मॉर्गेज किया गया है तो कौन सी प्रॉपर्टी को पहले छुड़ा सकते हैं, उसके बारे में कुछ सिद्धांत बताया गया, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग बोलते हैं। और सेक्शन 100 में चार्ज की परिभाषा यानी भार की परिभाषा दे रखी है। तो इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद चैप्टर 5 में पट्टा बताया गया, पट्टा यानी लीज, 105 से लेकर 117 तक लीज यानी पट्टा बताया गया। पट्टा यानी क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति एक निश्चित समय के लिए किसी व्यक्ति को उपभोग करने का अधिकार देता है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, पदेशन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब दूसरा व्यक्ति जो है वो उसका उपभोग कर सकता है। लेसर लेसी, लेसर कौन हो गया जो भूमि दे रहा है, और लेसी कौन हो गया जो भूमि ले रहा है, तो गवर्नमेंट लीजी कौन होता है, जिसने गवर्नमेंट से लीज पे भूमि ली है। तो 105 में लीज की परिभाषा और 108 में राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ लेजर एंड लेजी, ये इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन 111 भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सेक्शन 111 में पट्टे का विघटन बताया, कब पट्टा समाप्त होगा, तो समापन जो है सेक्शन 111 में बताया गया है। दूसरा ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी विनिमय द्वारा, चैप्टर नंबर 6 जो है वो विनिमय की बात करने वाला है। विनिमय को एक्सचेंज कहते हैं, एक्सचेंज यानी अदला बदली बोलते हैं, 118 से लेकर 121 तक अदला बदली यानी एक्सचेंज के बारे में बताया गया है। अब इसमें क्या होता है, दो पक्षकार हैं, दोनों के पास प्रॉपर्टी है और दोनों एक दूसरे को अपनी प्रॉपर्टीज अदला बदली कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों ही लोग कौन हो गए, दोनों ही परचेसर हो गए और दोनों ही सेलर भी हो गए, ये परचेसर भी और सेलर भी, ये भी परचेसर और सेलर है, और हम ये कह सकते हैं इसीलिए इसमें पार्टीज का नाम मॉर्गेजर मॉर्गेजी या लेजर लेजी नहीं रखा गया है, इसमें रखा गया है पार्टीज ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं इसमें। तो जो बायर सेलर के जो राइट्स होते हैं वही दोनों के म्यूचुअल राइट्स होते हैं, तो म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, इसमें क्या होता है दो प्रॉपर्टीज की ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, इसको एक्सचेंज बोलते हैं। एक्सचेंज की परिभाषा 118 में दी गई है और 120 में राइट्स एंड ड्यूटीज बताए गए हैं एक्सचेंज की पार्टीज के। फिर 7वें नंबर पे हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, दान गिफ्ट, हमने सुना है बिना प्रतिफल के जो कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को दान दे देता है, इसमें दो पार्टी है, डोनर एंड डोनी, डोनर को दाता और डोनी को आदाता बोलते हैं। तो इस प्रकार यदि बिना प्रतिफल के कोई व्यक्ति ट्रांसफर करता है तो उसे दान का जो दान भी एक संव्यवहार होता है। 122 से 129 तक दान के बारे में प्रावधान ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताए गए। 127 वाली सेक्शन अच्छे से पढ़ लेंगे, दुर्भर दान, जिसमें ऑनरस गिफ्ट की बात करता है। ये ऑनरस गिफ्ट का मतलब होता है, ऑनरस गिफ्ट के मतलब होता है कि भार युक्त दान, यानी मैं आपको एक प्रॉपर्टी दे रहा हूं, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50,000 रुपए की है, लेकिन उस पर 10-15 हजार रुपए का किसी का लोन भी बाकी है, नगर निगम के टैक्सेस भी बाकी है,
तो मैं आपको वो जो प्रॉपर्टी दे रहा हूं वो भार युक्त है, यानी आपको भार युक्त ग्रहण करनी पड़ेगी, यानी उसकी जो लाइबिलिटीज हैं, जो उसके ऊपर जो शुल्क ड्यूज हैं, वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं ऑनरस गिफ्ट। और जो व्यक्ति ऐसी गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है 128 में, ऐसे व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनी बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनी को हिंदी में सर्वस्व आदाता कहा जाता है, यानी उसने भार युक्त आपकी प्रॉपर्टी को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके बाद लास्ट में अनुयोज्य दावे की बात करते हैं। अनुयोज्य दावे को एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। धारा 3 में इसकी डेफिनेशन दी गई है एक्शनेबल क्लेम की, और इसके अलावा इसका पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, 130 से लेकर 137 तक। सेक्शन 130 में ये कहता है कि ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, क्या एक्शनेबल क्लेम को भी ट्रांसफर किया जा सकता है? तो यस, सबसे पहले एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, ये अप्रतिभूत ऋण होता है। अप्रतिभूत ऋण मतलब आपके पास कोई भी प्रतिभूति पर कोई चीज नहीं है, पर आपका ऋण लेना है, और इस एक्शनेबल क्लेम को न्यायालय भी यानी लॉ भी एक्सेप्ट करता है। उदाहरण के तौर पर ए ने बी से उसके गोडाउन में 100 क्विंटल गेहूं रखा है और मैंने उससे 2 क्विंटल गेहूं ले लिए, पेमेंट दे दिया, लेकिन वो 2 क्विंटल गेहूं उठाया नहीं है, वो अभी भी उसके गोडाउन में रखा हुआ है, तो वो मेरा एक्शनेबल क्लेम है, यानी मैं उसके 100 क्विंटल गेहूं में से 2 क्विंटल मेरा रहेगा, ये मेरा एक्शनेबल क्लेम है। एक और उदाहरण के रूप में समझें, यदि किसी मैंने एक मकान में मकान मालिक और मैंने किराए से कोई मकान दे रखा है, और किराएदार ने मुझे यदि 3 महीने का किराया नहीं दे रखा है, उसका प्रति माह किराया 10,000 रुपए, तो 30,000 रुपए चूंकि वो रह चुका है, इसीलिए अब मेरा एक्शनेबल क्लेम बन चुका है, लेकिन इन पैसे वसूलने के लिए मेरे पास कोई चल अचल संपत्ति गिरवी अथवा बंधक नहीं रखी गई है। तो ये होता है एक्शनेबल क्लेम, और एक्शनेबल क्लेम भी ट्रांसफर हो सकता है सेक्शन 130 में। 130 के अंदर बताया गया है कि हाउ वी कैन ट्रांसफर द एक्शनेबल क्लेम, उसका नोटिस देना पड़ता है, ये सब बातें अंदर के चैप्टर्स में बताई गई है। और इट इज ऑल अबाउट द वेरी क्विक रिविजन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।